तो उस्ताद मॉडल आया है मेरे पास, तो उसकी फिटिंग करेंगे। बॉक्स से सारा निकाल लिया सामान, टायर है, टायर आ गए हैं, मशीन। तो इसका सबसे पहले हैंडल लगाएंगे। हैंडल के यहाँ पे दो टक दिए गए हैं, तो यहाँ पे ऐसे हैंडल को बैठाना है। बैठाइए जी हैंडल को, तो वीडियो में देखिए इस तरह से बैठ जाएगा। इधर से हमने किल्ली वाला बोल्ट डालना है, ये देखिए बोल्ट इधर से डालना है नीचे में। तो ये वाशल आगे लगा रहेगा ये वाला, उसके विपरीत यहाँ पे इसका लॉक लगेगा। लॉक लो आगे यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉक को हमने फिक्स कर देना है और इधर से टाइट कर देना है बोल्ट को। तो इस तरह से हमने हैंडल फिट कर लेना है, उस्ताद मॉडल का हैंडल फिट। उसके बाद यहाँ नीचे हमने टायर डालने हैं, ऐसी शाफ्ट बाहर अंदर की तरफ करके डाल देने हैं, वो सही लगेंगे, थोड़ा गैप बन जाएगा। दूसरा टायर भी इसी विपरीत डाल के वो होल में पिन डाल देना है, लग गया है। तो यहाँ पीछे पिन निकाल लेना है, पिन निकालने के बाद यहाँ पे राड पीछे डाल देना है। तीन सुराख राड में दिए गए हैं ऊपर नीचे करने के लिए, यार राड का सुराख मैच करके हमने यहाँ पे डाल देना है। राड को हमने नीचे लगा देंगे, तो इस तरह से हमारा मशीन फिटिंग होगा। नॉर्मली फिटिंग है, कोई खास फिटिंग नहीं है इसमें। ये बेल्टों वाला कवर है, बेल्ट का नंबर आप नोट करके रख लीजिए, कई बार घिस जाता बाद में ढूंढने में आसानी रहता है, बेल्ट का नंबर आप नोट कर लीजिएगा। तो बेल्ट कवर ऊपर से लगा देना है, दो बोल्टों में लगेगा, एक आगे लगेगा एक पीछे बोल्ट लगेगा। तो इस तरह से आप उस्ताद मॉडल को फिटिंग कर सकते हैं। बाकी वायरिंग सारी लगी हुई है, रेस वाला एक्सीलेटर वाला वायर लगा हुआ है, ऑन ऑफ वाला स्विच वाला वायर भी इस बार लगा के दिया गया है आपको। फिर भी परेशानी आ रहा है तो ऑन ऑफ वाला वायर यहाँ पे लगना है, यहाँ पे कनेक्ट होगा और यहाँ पे अर्थिंग हो जाएगा, और रेस वाला वायर यहाँ से नीचे लगा हुआ है। तो यहाँ पे मशीन में फिटिंग होने के बाद इंजन लाइन डालेंगे। यहाँ आगे गेज दिया गया है, 600 ml इंजन लाइन डालना है, 20W50 वाला 600 ml इंजन ऑयल, 20W50 वाला इंजन ऑयल यहाँ पे फिल कर देना कैप की मदद से। यहाँ पे इंजन ऑयल डाल देना है, और ये ऑयल सेंसर वाला तार है, इसको जोड़ना नहीं है, इसको खुला रखना है, इसको ओपन ही रखना है, इसको नहीं लगाना हमने। 600 ml इंजन ऑयल यहाँ तक फिल हो जाएगा, सेंटर में रहेगा मशीन तो पूरा गेज तक दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे गेयर ऑयल वाला गेज दिया गया है, यहाँ पे 1 लीटर गेयर ऑयल लगेगा 90 नंबर वाला। एक लीटर गेयर ऑयल डालना है यहाँ पे 90 नंबर वाला, 1 लीटर गेयर ऑयल 90 नंबर वाला यहाँ पे हमने फिल कर देना है। इंजन ऑयल और गेयर ऑयल हमारा फिल हो चुका है, तो गेज लगा देंगे, यहाँ पे टक टक ही आ जाएगा 1 लीटर डालेंगे। यहाँ पे वायर क्लिप हैं आपके पास आए होंगे दो, तो उनको यहाँ पे लगा देना है हमने। तो यहाँ पे हमने वायर क्लिप लगा दिया है, दूसरा एक्सीलेटर वाला वायर को भी यहाँ पे क्लिपिंग कर देना है। अब हमने पेट्रोल डाल के मशीन को चालू कर लेना है, और इसकी रोटरी आई है तो 24 ब्लेड वाला रोटरी है, उसको भी साथ में फिटिंग दे देता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे बीच में पट्टी लगा हुआ है, तो यहाँ से एक साइड से ब्लेड को और लगा देना है, एक साइड से ब्लेड लगा देने हैं दोनों तरफ है, तो बीच में पट्टी तो एक साइड से ब्लेड लगा दीजिएगा। तो सभी ब्लेड का धार आगे की तरफ रहेगा, और एक साइड वाले ब्लेड लगा लेने हैं, पहले हमने लेफ्ट वाले ब्लेड लगा लेने हैं एक साइड में, 12 ब्लेड एक साइड में, ये इससे 400 बना लेना है हमें, एक प्लेट में सभी ब्लेड एक तरफ से लगाने हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ से ब्लेड लगे, ब्लेडों की धार एक तरफ रहेगी और सभी का मुंह अंदर की तरफ लगा के करके लगाने हैं, वीडियो में देख लीजिएगा। मुँह दोनों सभी का नीचे की तरफ कर दिया है हमने, एक साइड रहेंगे, एक साइड वाले ब्लेड पहले लगाने हैं, लेफ्ट वाले एक साइड में लग जाएंगे, इस तरह से ब्लेड चारों हमने लगा लिए। ये 12 का 400 हमारा एक साइड का तैयार हो गया है, ये लेफ्ट वाला 400 हमारा तैयार हो गया है, और दूसरे ब्लेड राइट वाले रहेंगे, तो राइट वाले दूसरे वो दूसरी साइड एक साइड में लगा देंगे, उनका मुँह अंदर की तरफ करके एक साइड में लगा देंगे।
तो इसी तरीके से हमारे लेफ्ट राइट ब्लेड दोनों तैयार हो गए हैं। 24 ब्लेड वाली रोटरी है, 12 दोनों तरफ लगेंगे, ये तैयार हो गए हैं। तो हमने यहाँ पे रोटरी डाली है तो ब्लेड निकाल लेने हैं, टायर निकाला है, टायर निकाल के इनकी धार आगे की तरफ रख लेनी है, ये धार है इसको आगे की तरफ रखना है और यहाँ पे पिन डाल देना है और यहाँ पे घुमा के भी हमने देख लेना है, आगे गियर बॉक्स में नहीं लगनी चाहिए, बाद में बोलोगे गियर बॉक्स में टच हो गए, गियर बॉक्स डैमेज हो जाएगा, इससे नुकसान हो जाएगा आपका, तो गियर बॉक्स में नहीं टच होना चाहिए। यहाँ पिन डालने के बाद यहाँ पे टायर भी इसी में साथ में डल जाएगा, रास्ते में लेके जाना है तो ऐसे कंप्लीट होके रास्ते में जाएगा, खेत में जाना है तो टायर निकाल देना है खेत में चलाने के लिए रूपरी के। इस तरह से देख लीजिएगा, दूसरी तरफ से भी हमने यहाँ से चेंज कर लेने हैं, रूटरी डाल लेनी है, रूटरी का धार आगे की तरफ रहे, इस बात का खास ख्याल रखना है कहीं पीछे धार रह जाए, ये आगे रहा है तो इस तरफ वाला भी आगे धार है, इस तरह ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारा रूटरी उस्ताद वाला तैयार हो जाएगा, उस्ताद मॉडल। तो अभी मशीन को चालू करेंगे तो यहाँ पे पेट्रोल फिल कर लेना है, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल फिल करेंगे, तो पेट्रोल डालने के बाद मशीन को चालू करना है, एक्सीलेटर है तो यहाँ पे ऑन ऑफ वाला बटन है, इसको ऑन कर लेना है, ऑन कर लिए तो यहाँ पे ये ब्लैक वाला है पेट्रोल का ऑन ऑफ है, तो यहाँ पे ऑन कर लेना है मशीन, जब हमने घर पे बंद करके रखा है तो बंद कर लेना है पेट्रोल, अब चालू कर लेना है। उसके बाद ये चोक का वाइट वाला चोक बाहर निकालना है, जब मशीन स्टार्ट हो जाएगा एक से दो रस्सी में तो उसके बाद चोक को अंदर कर देना है, चोक अंदर करके ही काम करना है यहाँ पे रख के। अभी हमने चोक बाहर लगाया है तो रस्सी खींचेंगे तो मशीन नॉर्मली स्टार्ट हो गया, उसके बाद हमने चोक बंद कर देना है, इस तरह मशीन स्टार्ट हो जाएगा। हैक्स आप चला के देखेंगे, चलाइए जी, रेस बढ़ाओ इसका, एक्सीलेटर बढ़ाओ, ये क्लच पे चलेगा मशीन, क्लच पे बेल्ट टाइट होने पे, इस तरह आपका रोटरी उस्ताद मॉडल तैयार हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए ताकि आपको आगे भी नई फिटिंग वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्म सिंगा।